जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अब क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे कई तरीके से। पहले चीज़ लस यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, इसको हम लोग बोलते हैं लस, और इसको हम लोग बोलते हैं मस छोटे में। तो लघुत्तम समापवर्त्य, यहाँ देखिए लिखा है समापवर्त्य और यहाँ लिखा है समापवर्तक, दोनों में एक चीज़ कॉमन है। यहाँ पर पहले आपको ये समझना है कि लघुत्तम समापवर्त्य में और महत्तम समापवर्तक में दोनों चीज़ें सेम नहीं है। यहाँ पर समापवर्त्य है और यहाँ पर है समापवर्तक। लघुत्तम का मतलब होता है छोटा से छोटा और महत्तम का मतलब होता है बड़ा से बड़ा। तो एक किस संदर्भ में बड़ा बोला जाता है, किस संदर्भ में छोटा बोला जाता है, ये चीज़ आपको समझना है। और इससे पहले जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले लस, लस यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। अभी क्या चीज़ें होती हैं इसके पहले हम लोग जान लें कि समापवर्त्य क्या होता है। किसी भी संख्या का जो समापवर्त्य होता है वो होता है उसका पहाड़ा। जैसे हम बोलें कि 5 का समापवर्त्य क्या होगा, तो 5 के जितने भी पहाड़े आएंगे वही सारे इसके क्या हो जाएंगे, समापवर्त्य हो जाएंगे। जैसे 5, 5 दूना 10, 5 तेई 15, 5 चौक 20, इस तरह से जितनी भी संख्याएं जो कि 5 के गुणक में हों उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्त्य बोलते हैं। ये जो आपका है समापवर्त्य में, ये हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्त्य, अपवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब क्या होता है, जो पहाड़ा होता है किसी भी संख्या को वही बोला जाता है अपवर्त्य। अगर दो संख्याओं को देखें, जैसे मान लीजिए हमने 10 को लिया, तो 10 का अपवर्त्य क्या हो जाएगा, 10, 10 दूना 20, 10 तीन 30, 10 चौको 40, इस तरह से भी बढ़ता रहेगा। अब इसमें अपवर्त्य हो गया, समापवर्त्य में दो चीज़ें लगी हुई हैं, एक तो है सम और दूसरा क्या है, अपवर्त्य है। अगर हम लोग इसको तोड़ें तो सम प्लस अपवर्त्य, तो सम माने क्या होता है, बराबर। और इन दोनों में देखा जाए दोनों ही अपवर्त्य हैं, ये 5 का अपवर्त्य है, ये 10 का अपवर्त्य है, तो दोनों में कॉमन अपवर्त्य कौन कौन से हैं, ये देखिए 10 है, यहाँ 20 है, इसके बाद ये 25, 30, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो ये जो हैं ये हो गए ये 30, तो दोनों में जो कॉमन हैं वो कौन कौन से हैं, 10, 20 और 30। ये ऐसे अपवर्त्य हैं जो कि दोनों में कॉमन है या दोनों में उपस्थित हैं। तो इन्हीं दोनों, जो दोनों में उपस्थित होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं समापवर्त्य, समापवर्त्य। ध्यान दीजिए, अपवर्त्य का मतलब आप लोग लिख लेंगे पहाड़ा, पहाड़ा या संख्या का गुणक, संख्या का गुणक मीन्स ऐसी संख्या जो कि उस संख्या में गुणा करने के बाद प्राप्त हो। जैसे यहाँ पर 5, 10, 15, 20 जितनी भी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, तो ये 5 में किसी एक संख्या से गुणा करने पे प्राप्त हो रही है। 5 कैसे प्राप्त हुई, जब हमने 1 से गुणा किया। 10 कैसे प्राप्त हुई, जब हमने 5 में 2 से गुणा किया। तो इस तरह से इनको हम गुणक भी कहते हैं और साथ में अपने लैंग्वेज में हम इसको पहाड़ा भी कह सकते हैं। तो समापवर्त्य आप समझ गए कि समापवर्त्य क्या है, ऐसा पहाड़ा, ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़ों में कॉमन हो, वैनिष्ठ हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समापवर्त्य बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दोनों के गुणकों में उभयनिष्ठ संख्या या कॉमन नंबर, ये हो जाएगी समापवर्त्य। अब बात आती है कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त्य। तो ये हो जाएगा
इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? अब देखिए इसमें आ गया, ये समापवर्तक तो हमको पता चल गया समापवर्तक क्या है। अगर ये कहा जाए कि 5 और 10 का आप लॉसा निकालिए, 5 और 10 का यानी कि 5 और 10 का आप लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, तो आप क्या करेंगे, जैसे भी निकालेंगे आपका आंसर आएगा 10। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये 10 कैसे आया। समापवर्तक हमने निकाल लिया 10, 20, 30, ऐसे करके और भी बढ़ाएंगे तो और भी आते जाएंगे 40, 50, ये सारे समापवर्तक आते जाएंगे। तो हमने 10 को ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है एक शब्द लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा या छोटा से छोटा। तो उन अपवर्त जितने भी अपवर्त हैं, उन अपवर्तों में जो सबसे छोटा अपवर्त है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। जो सबसे छोटा अपवर्त है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। तो यहाँ पर 10, 20 और 30 में सबसे छोटा कौन सा है, 10 है। अब इसी चीज़ को जनरली लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि 5 और 10 का लॉसा हमको निकालना है, तो हमारे पास एक बेसिक सा तरीका है, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं और इसके बाद किसी ऐसी संख्या से काटना शुरू करते हैं जो दोनों को काट दे। तो यहाँ पर हम काटेंगे 5 से, 5 एक कम 5 और 5 दूना 10। अब जब दोनों किसी से नहीं कटेंगी तो इसके बाद हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही। और फिर यहाँ पर लॉसा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सारी जो किनारे की हैं इनको और साथ में जो बची हुई इनको गुणा कर देते हैं, 5 × 1 × 2। तो देखिए 5 × 5 और 5 × 10। अब ये तरीका भी आप समझ लीजिए कि इस तरीके से हम लोग लॉसा कैसे निकालते हैं। पहले इस तरह से हम लोग रख लेते हैं इनको, संख्याओं को, और फिर किसी ऐसी संख्या से काटते हैं जो दोनों को काट दे, या अगर 3 संख्या है तो कोशिश करते हैं कि जो अधिकतम काटे तीनों को काट दे, अगर तीनों को ना काटे तो कम से कम 2 को काटे, इस तरह से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसने काटा और इसके बाद अब ये किसी से किसी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को एक साथ काट सके, तो इसलिए हम यहीं पर इसको छोड़ देंगे। तो लॉसा हमारा हो जाएगा 5 × 1 × 2 यानी कि 5 × 10। तो ये तरीका हो गया हमारा बेसिक, इससे 10 निकल गया। और ये जो मैंने आपको बताया ये वो तरीका है जिसमें आप समझते हैं कि लघुत्तम माने क्या होता है, समापवर्त माने क्या होता है। जब आप किसी चीज़ का मायने समझ जाते हैं तो फिर आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, वो चीज़ आपको रोचक लगने लगती है कि ये तो ऐसे ही है, आपको रटना नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए लघुत्तम समापवर्त में क्या क्या चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं वो आप समझना है आपको। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है सम अपवर्त को हम लोग तोड़ें तो सम प्लस आएगा अपवर्त्य। सम माने होता है बराबर, अपवर्त माने होता है पहाड़ा या संख्या का गुणक। तो 5 का हमने अपवर्त निकालना है तो हम 5 का पहाड़ा ले लेंगे, 5 × 5, 5 × 10, सारे इसके अपवर्त मिल जाएंगे। फिर 10 का अपवर्त हम लेंगे तो 10, 20, 30, 40, 10 का पहाड़ा। अब अपवर्त तो हमने लिख लिया, सम अपवर्त क्या हो जाएगा, सम अपवर्त का मतलब ऐसा अपवर्त जो दोनों में सम हो, जो दोनों में बराबर हो। सम माने बराबर, जो दोनों में बराबर हो या दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, उसको हम बोलेंगे सम अपवर्त। तो दोनों में मिलने वाला अपवर्त कौन है, 10 है, 20 है, 30 है, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा 40, 50। तो ये हमने लिख लिया, और भी आगे मिलेंगे। अब बात आती है लघुत्तम समापवर्तक की। लघुत्तम का माने क्या होता है, छोटा से छोटा। लघुत्तम माने कम से कम, छोटा से छोटा। तो जितने भी अपवर्त हमने लिखा उनमें सबसे छोटा अपवर्त कौन है, 10 है, लघुत्तम है, सबसे कम है, इसीलिए लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 5 और 10 का 10 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास एक तरीका ये है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करके लॉसा को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं बिना इसके पे जाए हुए। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है 36 और 12 का लॉसा निकालना है, निम्न संख्याओं का लॉसा निकालें 36 और 12। दूसरा क्वेश्चन है 16 और 40। तीसरा क्वेश्चन है
बीस और पंद्रह, ये तीन क्वेश्चन है। तीनों को हम लोग समझेंगे कि कैसे हम समवर्त के मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम लोग उसकी तरह से सॉल्व करेंगे उस तरीके से। तो पहले 36 और 12 इसका हमको लसन निकालना है, तो पहले जैसा कि आप करते आते हैं वैसे कर लीजिए। 36 और 12 तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या से काटते हैं जो दोनों को काट दे। तो यहाँ पर हम काटेंगे दो से, अगर देखें तो दो से भी कट जाएगा दोनों, तीन से, तीन बारह तीन 36, तीन चौको 12 इससे भी कटेगा, चार से भी दोनों कट रहा है। तो आपका जिससे मन हो उससे काटिए, मैं दो से काटता हूँ, 18 दोनों 36 और दो छक्का 12। अभी ये कटेंगे दो नौ 18 और दो तियाई 6, अभी भी ये दोनों कटेंगे तो तीन से कटेंगे, तीन तरीके 9 और तीन एकम 3। अब इसके बाद ये दोनों अंक एक साथ किसी संख्या से नहीं कटेंगे, तो हम लोग लॉस निकाल लेंगे। लॉस बराबर इसका गुणा, दो गुणे दो गुणे तीन गुणे तीन और गुणे लास्ट में एक, एक को आप रख सकते हैं या चाहे मत रखिए। तो दो दूना चार, चार तीन बारह, बारह तीन कितना हो गया 36 हो गया। ये हमारा बेसिक मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हैं या मैक्सिमम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं अपने समापवर्त के विधि पर। तो समापवर्त का मतलब क्या होता है कि आप इनका पहाड़ा लिखिए। तो 36 का अगर आप पहाड़ा लिखें तो 36 से कम 36, 36 दुना 72 और 36 तियाँ 108, दो तीन पहाड़ा आप लिख सकते हैं। उसके बाद 12 का अगर पहाड़ा पढ़ें तो 12 एकम 12, 12 दुना 24, 12 तियाँ 36, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा लौसा, मैंने आपको क्या बताया कि लौसा होता है इन दोनों में, जो दोनों में जो उपस्थित है उसको लिख लीजिए। तो 12 दोनों में नहीं है, 24 दोनों में नहीं है, यहाँ देखिए 36 दोनों में है तो 36 आ गया। अब 12 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर 12 नवैया 108 भी आएगा, फिर 12 धाम में 120 भी आएगा, तो यहाँ से आपको 108 भी कॉमन मिल गया, 108। तो ये हो गया सम अपवर्त, सम अपवर्त्य, ये हो गया सम अपवर्त्य, मीन्स ऐसा अपवर्त्य जो दोनों में कॉमन हो। तो वो कौन कौन से हैं, 36 और 108। अब लघुत्तम समापवर्त्य कौन सा हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य ये क्या हो जाएगा, लघुत्तम मीन्स छोटा, दोनों ही अपवर्त्यों में सबसे छोटा वाला संख्या ये हो जाएगी हमारी लसा। तो यहाँ से हो गए 36। अब इस तरीके को तेज कर सकें, जल्दी कर सकें, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको अगर इस मेथड का प्रयोग करना हो तो आप पहाड़ा सबका मत लिखिए, जो बड़ी संख्या है उसका आप पहाड़ा लिखना शुरू करिए, केवल उसका, दूसरी वाली का नहीं। तो जब उसका पहाड़ा लिखना शुरू करेंगे तो पहाड़ा लिखिए या मन में आप सोचिए और छोटी वाली संख्या से काटना शुरू करिए और देखिए कि इसका जो पहाड़ा यानी कि जो बड़ी वाली संख्या है उसका पहाड़ा कहाँ पर छोटी वाली संख्या से कट जा रहा है, और जहाँ पर कटेगा वही संख्या क्या हो जाएगी, इसका लसा हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 36 का अगर हम पहाड़ा पढ़ना शुरू करें तो 36 से कम 36, 36 दुना 72 और 36 तिहाई 108, इस तरह से जाएगा। तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ना शुरू किए और चेक किए कि कौन कट रहा है, तो पहले ही कट गया 12 तिहाई 36। तो जब पहले ही कट गया तो वही आपका क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। जो पहला अंक कटे बड़े वाले संख्या का पहाड़ा पढ़ने के बाद वही क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। आगे चलकर हम लोग एक और चीज़ नोट करेंगे और जानेंगे कि जब दो संख्याओं का लसा निकालना हो और छोटी संख्या बड़ी संख्या को यदि काट दे तो उस केस में बड़ी संख्या लसा हो जाती है। यहाँ पर देखिए 40 और 36, 16 और 40 का, तो दो मेथड से आपको करना है। पहला जो मेथड है सेकंड क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करिए 16 और 40, ऐसी संख्या से काटना शुरू करेंगे जो दोनों को काट रही हो। तो यहाँ पर दो काटेगी, दो अठे 16 और दो बीस हम 40, फिर हम दो से काटेंगे तो दो चौको 8 और दो धाम में 20। किसी भी संख्या से नहीं काटते हैं, ऐसी संख्या से काटेंगे जो कि दोनों संख्याओं को काट दे। इसके बाद दो से काटेंगे तो दूना 4, दो पंजे 10।
अब ये दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे, जब भी कटेंगे तो अकेले अकेले कटेंगे, तो यहाँ पर लॉसा हो जाएगा, लॉसा बराबर गुणा कर लीजिए, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे पाँच, एक दो तीन चार पाँच, तो एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, इनका गुणा कर लेंगे, दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह पाँचे अस्सी, तो इसका लॉसा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने बेसिक मेथड पे, मीन्स ट्रिकी मेथड पे, वो कैसे हम लोग उससे करेंगे। करना क्या है आपको, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना है, तो 40 का अगर हम पहाड़ा पढ़ें तो 40 से कम 40, और छोटी वाली से चेक करते रहेंगे कहाँ कट रहा है। तो पहाड़ा मैंने पहले पढ़ा 40 से कम 40, क्या 16 से कटेगा, नहीं, 16 के पहाड़े में 40 नहीं आता है। फिर हमने कहा 40 दुना 80, फिर चेक किया क्या 16 से 80 कटेगा, तो हाँ कटेगा, 16 पच्चीस 80 होता है, तो बस ये नहीं कटा लेकिन ये कट गया, तो जो पहला संख्या कटेगा वही क्या हो जाएगा, लॉसा हो जाएगा, तो लॉसा आपका हो जाएगा इन दोनों के लिए 80। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है 20 और 15, तो 20 और 15 में आप इस मेथड से करेंगे, मैंने आपको सिखा दिया है, इससे आप ट्राई करेंगे, और ट्रिकी मेथड से हम लोग करते हैं, बड़ी वाली संख्या से करिए, तो बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा हमने पढ़ा 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, और चेक करते रहेंगे छोटी वाली संख्या से, 15 कैसे चेक करेंगे, तो 20 नहीं कटेगा, फिर 15 से 40 को काटेंगे नहीं कटेगा, लेकिन 60 कट जाएगा, तो ये दोनों नहीं कटे, ये दोनों नहीं कटे, ये 60 कट गया, तो इसका लॉसा कितना हो जाएगा, लॉसा बराबर 60। बेसिक मेथड से भी ये हो जाएगा, बेसिक मेथड में आइए, तो यहाँ बेसिक में 20 और 15, 5 से हमने काटा, 5 को 20, 5 3 15, अब ये दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे, तो हम लोग इसका गुणा कर लेंगे, लॉसा बराबर 5 गुणे 4 गुणे 3, यानी 5 को 20 तिहाई 60, इस तरह से भी आप इसका लॉसा निकाल लेंगे। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक नोट पॉइंट लिख लीजिए आप, दो अभाज्य या सह अभाज्य संख्याओं का लॉसा उनका गुणनफल होता है। क्या मतलब है, दो अभाज्य या सह अभाज्य संख्याओं का लॉसा उनका क्या होगा, गुणनफल होगा। जैसे मैं अगर मैं कहूं कि 3 और 7 का लॉसा बताइए, या मैं आपसे बोलूं कि 9 और 16 का लॉसा बताइए, तीसरा क्वेश्चन 11 और 13 का लॉसा बताइए, तो इसका लॉसा क्या हो जाएगा, ये है 3 7 9 16 11 13। लॉसा निकालने के लिए हम लोग बेसिक तरीका तो इस्तेमाल करेंगे ही, ट्रिक भी इस्तेमाल करेंगे कि हाँ ठीक है, बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ेंगे, छोटे वाले से काटेंगे, जहाँ कटेगा ठीक, नहीं कटेगा तो फिर जो भी। यहाँ पर पहले चीज़ एक चीज़ और देखेंगे कि क्या दोनों अभाज्य हैं या क्या दोनों सह अभाज्य हैं। अभाज्य मैंने आपको बताया कि जिन संख्याओं को काटने वाले केवल दो लोग हों, दो लोग कौन कौन, एक वो खुद संख्या और एक अकेला एक, वो होती हैं सह अभाज्य। दूसरा सह अभाज्य वो होती हैं अभाज्य, और सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, दो संख्याएं सह अभाज्य होती हैं जब दोनों को एक साथ केवल एक काट सके, एक मीन्स वन, वो होती हैं सह अभाज्य। तो 3 और 7 दोनों क्या हैं, अभाज्य हैं, तो इनका लॉसा हो जाएगा इनका गुणनफल 3 गुणे 7 यानी कि 21। यहाँ इसका लॉसा कितना हो जाएगा, लॉसा बराबर ये दोनों सह अभाज्य, देखिए ये भाज्य है 3 से कटती है, 16 भी 4 से कटती है, लेकिन 3 से अगर 9 कटता है तो 3 से 16 नहीं कटेगा, 4 से 16 कटता है लेकिन 4 से 9 नहीं कटेगा, तो एक साथ कोई ऐसी संख्या नहीं है सिवाय एक के जो दोनों को काट सके, तो ये हो गई सह अभाज्य। तो यहाँ पर लॉसा हो जाएगा 9 गुणे 16 यानी कि 144, 16 और 144
11 देखिए, 11 कैसी संख्या है? अभाज्य है। और 13 भी कैसी संख्या है? अभाज्य है। तो यहां पर लॉसा हो जाएगा, लॉसा बराबर 11 गुणे 13, यानी 13 दहम 130 और 143, ये हो जाएगा इसका लॉसा। वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लॉसा में, वो है भिन्नों का लॉसा। अब भिन्नों का लॉसा क्या होता है, भिन्न कैसी होती है? भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक हो जाएगा आपका अंश जो ऊपर होता है और नीचे होता है हर, इस तरह से भिन्न होती है। मीन्स ए बटा में बी के रूप में भिन्न होती है। तो अगर दो भिन्न दिया हो, दोनों भिन्नों का आपको अगर लॉसा निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया हुआ है 2/5 व 7/25, इसका लॉसा आप कैसे निकालेंगे? तो इसका एक फार्मूला होता है भिन्नों का लॉसा बराबर, ये फार्मूला है भिन्नों का लॉसा बराबर अंशों का लॉसा बटा में हरों का मौसा। अभी क्या होता है, एक क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन लिख लीजिए, 16/9 और 40/12, इसका आपको लॉसा निकालना है। तो यहां पर हम लोग लॉसा निकालते हैं पहले का, तो ये क्या हो जाएगा, अंशों का लॉसा। तो अंश कौन कौन से हैं? इस भिन्न में अंश है 2 और इस भिन्न में अंश है 7, तो अंशों 2/7 का लॉसा बटा में क्या हो जाएगा, हरों कौन, 5 और 25 का मौसा। तो मैंने आपको बताया नहीं मौसा कैसे निकालते हैं, लेकिन चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका मौसा होगा। मौसा तक मैं आपको डायरेक्ट लिख दूंगा, नेक्स्ट जब मैं आपको मौसा समझाऊंगा तो वहां से आप समझ जाएंगे। तो इसका लॉसा यहां पर क्या हो जाएगा, 2/7 का लॉसा, दो अंक है 2/7, तो 2/7 का लॉसा कितना हो जाएगा? देखिए 2 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है, तो जब दोनों अभाज्य हैं तो लॉसा क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा, तो ये हो जाएगा 2/7 और 5 और 25 का मौसा, ये हो जाएगा 5। अब कैसे आया, जब मैं आपको मौसा बताऊंगा तो वहां समझ लीजिएगा, बट यहां इतना समझिए कि मौसा मैंने डायरेक्टली आपके लिए लिख दिया है। तो ये हो जाएगा 7 × 14 और 14/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16/9 और 40/12। कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्यों ना हम 40 और 12 को काट दें, क्योंकि कट भी रहे हैं तो जरूरी नहीं है, आप चाहें तो काट सकते हैं, चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो इसका लॉसा हो जाएगा 16 और 40 का लॉसा बटा में नीचे क्या है, देखिए अंशों का लॉसा, तो अंश में कौन कौन से हैं, 16 और 40 हैं, यहाँ पर अंश है 16 और यहाँ पर अंश कितना है, 40 है। हरों का मौसा, तो हर यहाँ कौन कौन से, हर यहाँ 9 है और यहाँ पर कितना है, 12 है। तो अंशों पूरा लिख लीजिए, अंशों 16/40 का लॉसा और हरों कौन कौन, हरों 9 और 12 का क्या मौसा। तो 16 और 40 का लॉसा निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो मैंने आपको तरीका बताया है कि बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़िए और देखिए कि छोटी वाली संख्या उसको कहां पर काट रही है। तो 40 का अगर हम पहाड़ा पढ़ें तो 40 से कम 40, 40 × 80, देखिए 40 को तो 16 काटेगा नहीं, लेकिन 80 को 16 काट देगा, 16 × 5 = 80, तो इसका लॉसा कितना हो जाएगा, 80।
इसीलिए देखिए ये सब ट्रिक आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि जब आप इस तरह से सीख लेते हैं तो क्वेश्चन, जैसे अगर आप नहीं सीखते तो क्या करते, इतना सारा बनाते, तो ये जो आप बना रहे हैं, ये जो कलाकारी कर रहे हैं, इस कलाकारी को करने में आपका दिमाग भी जाता है, आपका पेज भी जाता है। एग्ज़ाम टाइम में जितना कम काम करें उतना ज़्यादा आपका आउटपुट आता है। तो इसीलिए हम ट्रिक के माध्यम से करते हैं कि चलिए 40 का हमने पहाड़ा पढ़ लिया, चेक कर लिया, तो इसका लॉसा कितना आ गया, 80 आ गया। अब बात करते हैं 9 और 12 की, तो 9 और 12 का मौसा कितना हो जाएगा, तो 12 का जो मौसा होगा वो होगा 3। अब कैसे आया वो जब मैं आपको बताऊंगा तो समझ जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है दशमलव संख्याओं का लसा। दशमलव संख्याओं का लसा कैसे हम लोग निकालते हैं, दशमलव संख्याओं का लसा। पहला क्वेश्चन है 0.12 व 0.48। दूसरा क्वेश्चन है 0.2 व 0.45। तीसरा है 0.36 व 0.9। ये 3 क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि दशमलव संख्याओं का लसा कैसे निकाला जाता है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, चौथा है 0.90 व 0.45। ये 4 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम लोग जब स्टार्ट करेंगे दशमलव संख्याओं का लसा निकालना, तो आपके दिमाग में क्या सेट है, जितने भी क्वेश्चन आप लसा और मसा के करते हैं उसमें आप दशमलव से दूर रहते हैं, वहाँ पर दशमलव का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हम अगर दशमलव को हटाकर सॉल्व करें और जितना भी हमारा आंसर आए लसा में या मसा सॉल्व करते समय, बाद में उस आंसर में हम दशमलव को एडजस्ट कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमको लगातार दशमलव से हम पीछा भी छुड़ा लेंगे और लास्ट में हम दशमलव का इस्तेमाल करके अपना आंसर भी दे लेंगे। तो वही काम हम करेंगे कि दशमलव को पहले हटा ही देंगे, उसके बाद बिना दशमलव के हमारे पास एक संख्या आ जाएगी और उस संख्या का इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से लसा निकाल लेंगे। लेकिन दशमलव को हटाने का भी एक रूल होगा, ऐसा नहीं है कि दशमलव दिखा और उसको ऐसे ही हमने हटा दिया, ऐसा नहीं है। एक रूल के तहत हटाएंगे और जो भी उसमें कमियां होंगी उसको पहले पूरी करेंगे, उसके बाद उसको हटाएंगे। अब रूल क्या है कि दशमलव जितने अंक के बाद है उतने अंक के बाद सभी संख्याओं में होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 2 संख्या है, अगर पहली संख्या में दशमलव 2 अंक के बाद है तो दूसरी संख्या में भी दशमलव आपका 2 अंक के बाद होना चाहिए। अगर पहली संख्या में दशमलव 4 अंक के बाद है और दूसरी संख्या में दशमलव 2 ही अंक के बाद है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, पहले दोनों को या तो 2 अंक पे करेंगे या तो दोनों को 4 अंक के बाद करेंगे, उसके बाद ही जाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कैसे आप बराबर करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक अंक दिया है 0.123, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, और दूसरा दिया हुआ 0.12। तो जब आप इसका लसा निकालने जाएंगे तो दशमलव को पहले तो हटाएंगे, और रूल क्या कहता है कि दशमलव दोनों ही स्थानों पर एक समान अंक के बाद होना चाहिए। तो यहाँ देखिए दशमलव 2 अंक के बाद है, 1 और 2, फिर दशमलव है, और यहाँ पर दशमलव क्या है, 3 अंक के बाद है, 1, 2, 3 अंक के बाद। तो अब क्या है कि दोनों जगह पर या तो दशमलव यहाँ पर भी 2 अंक के बाद हो, और या तो है ही, या तो यहाँ 3 अंक के बाद है तो यहाँ पर भी 3 अंक के बाद हो, ये आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 अंक के बाद है, इसको 3 अंक करने के लिए अगर हम यहाँ 0 बढ़ा दें
तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको परिवर्तन ऐसा करना है ताकि संख्या में कोई प्रभाव ना पड़े, संख्या जस की तस ही रहे, क्योंकि यहाँ जीरो बढ़ाने से कोई नुकसान नहीं होगा संख्या पे, जीरो आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। अब जीरो बढ़ाने के बाद आपका काम भी होगा, ये भी तीन अंक के बाद और ये भी तीन अंक के बाद। अब आप क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे, यहाँ से दशमलव हट गया, तो दशमलव जब हटेगा तो बचेगा क्या, जीरो एक दो तीन, और यहाँ पर क्या बचेगा, जीरो एक दो जीरो। अब अंक के आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता, अंक के पीछे जीरो का मतलब होता है। अब अंक के पीछे कब होता है मतलब, जब दशमलव ना रहे। अब अगर दशमलव आ गया तो अंक के पीछे जीरो का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये जीरो का कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए, तो यानी कि अंक आपका आएगा 123 व, और ये क्या हो जाएगा 120। अब इतना जब आप इसका लॉसा निकाल लेंगे, मान लीजिए इसका लॉसा आ गया 63, जो भी आएगा, मैंने माना कि ये लॉसा, हालांकि है नहीं 63 इसका लॉसा, तो इसका लॉसा मान लेते हैं कि 63 आया। अब अभी दशमलव लगाना बाकी है, तो यहाँ पर आप फिर से पीछे आएंगे और देखेंगे कि दशमलव कितने अंक के बाद था। तो जब आपने अंकों को लिखा था बगैर दशमलव के, तो उस समय दशमलव तीन अंक के बाद था, यहाँ पर भी एक दो तीन अंक के बाद, यहाँ पर भी एक दो तीन अंक के बाद, तो आप दशमलव भी यहाँ पर तीन अंक के बाद लगा देंगे। तो लगाइए एक दो, और यहाँ तीसरा अंक तो है ही नहीं, यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए और यहाँ पर एक दशमलव लगा देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, करना क्या है कि दशमलव को एक समान करेंगे, नहीं है तो जीरो को इधर उधर करके एडजस्ट करेंगे, और दशमलव को पहले एक समान बनाएंगे सेम अंक के बाद, उसके बाद दशमलव हटा देंगे, जो भी अंक आएगा उसका हम लॉसा लेंगे। लॉसा लेने के बाद जो हमारा लॉसा आएगा, वहाँ पर पहले जितने अंक के बाद दशमलव था सब में, उतने ही अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। अगर आप समझ चुके हैं तो चलते हैं इसको किया जाए। जीरो दशमलव एक दो और जीरो दशमलव चार आठ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अंक दो अंक के बाद दशमलव है एक दो, और यहाँ पर भी दो अंक के बाद दशमलव है। तो जब सेम अंक के बाद दशमलव दोनों जगह है, तो यहाँ पर हम दशमलव को डायरेक्टली हटा सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 12 और 48, इसका लॉसा हम ले लेंगे। तो लॉसा लेने के लिए क्या करना है, अब इसका लॉसा लीजिए, तो 48 और 12 का लॉसा हो जाएगा 48, लॉसा बराबर कितना हो जाएगा 48। 48 क्यों होगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या काट रही है, इसलिए लॉसा हो जाएगा 48। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दो अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी दो अंक के बाद था, तो आपके फाइनल आंसर में दो अंक के बाद दशमलव होगा, एक अंक दो अंक, तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर दशमलव दो अंक के बाद है एक दो, यहाँ पर कितने अंक के बाद है, एक ही अंक के बाद है। तो पहले तो आप बराबर करिए, या तो दोनों को एक अंक पर करिए, या तो दोनों को दोनों दो अंक पर करिए। तो कैसे करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2, और यहाँ लिख दें 0, क्योंकि 0 अगर इसके बाद लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या पे, और यहाँ पर लिख दें वह 0.45, ये तो है ही जितना था पहले। अब देखिए, ये भी दो अंक के बाद और ये भी दो अंक के बाद, तो अब दोनों को हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं 20 व 45। इसका लॉसा आप आसानी से बाहर कहीं निकाल लीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 45 और 20 का लॉसा निकालिए ट्रिक के मेथड से, 45 का पहाड़ा पढ़िए, 45 से कम 45, 45 दूना 90, 45 तिया 105, और 45 चौको 180। थोड़ा बहुत पहाड़ा आना चाहिए, 45 का आपने इतना पहाड़ा लिख लिया। अब देखा कि 20 से कहाँ कट रहा है, तो 20 से 45 तो नहीं कटेगा, 90 नहीं कटेगा, 135 नहीं कटेगा, लेकिन 180 कट जाएगा। तो इसका लॉसा कितना हो जाएगा, लॉसा बराबर हो जाएगा 180। अब क्या ये आपका आंसर है, तो नहीं, क्योंकि अभी आपने दशमलव को सेट किया ही नहीं। तो दशमलव यहाँ पर कितने अंक के बाद था, दो अंक के बाद था, तो दो अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, एक अंक दो अंक, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1.80। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, यहाँ से मैं करूँगा इसको, ये यहाँ से कंप्लीट है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ 0.936 और यहाँ पर है 0.90, तो क्या है दशमलव एक समान है सब में, तो नहीं। तो पहले तो बराबर करिए, 0.36
व 0.9, ये दो अंक के बाद है, इसको भी दो अंक कर दीजिए 0.90। अब यहाँ पर दशमलव हट जाएगा तो बचेगा क्या 36 व 90। जो भी इसका आंसर आए इसका लासा निकाल लीजिए तो आ जाएगा 36 और 90 का हम ले लेते हैं तो 6 से काटिए, 6 छक्का 36 और 15 छक्का 90। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब इसके बाद तो ये नहीं कटेंगे तो लॉसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसका इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पहाड़ा पढ़ना 90 का जटिल हो रहा था मेरे लिए, इसीलिए मैंने इस मेथड का इस्तेमाल किया। तो जहाँ पर आप पहाड़ा पढ़ सकते हैं वहाँ पर उसका इस्तेमाल करिए, और जहाँ नहीं कर सकते वहाँ इसका इस्तेमाल करिए। तो 6 3 18 18 2 36 36 पाँचे हो जाएगा 36 3 100 36 5 5 180। तो इसका लॉसा हो जाएगा 180। अब देख लीजिए दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक बाद लगा दीजिए 1 2, तो ये हो जाएगा आंसर, सेम आंसर आ गया पहले और दूसरे का। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। आप वीडियो को 1 से 1.5 मिनट के लिए पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए और बताइए कितना आएगा इसका आंसर। तो 45.90 पॉइंट में 4 5, देखिए यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो आप करेंगे क्या डायरेक्टली लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 90 और वह 45। तो 45 और 90 का लॉसा कितना होगा, बड़े वाले का पहाड़ा पढ़िए, 90 कम 90 खुद ही कट रहा है, बड़ी वाली संख्या कट गई तो बड़ी वाली लॉसा हो जाएगी, तो यहाँ पर लॉसा हो जाएगा लॉसा बराबर 90। क्या आपका फाइनल आंसर है, तो नहीं, क्योंकि अभी आपने दशमलव तो लगाया ही नहीं, तो दशमलव लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर भी आप 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 0.90 और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज हमने सीखा साधारण लसा मसा निकालना, लसा का कंसेप्ट, क्यों हम उसको लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं, क्यों महत्तम समापवर्तक पढ़ते हैं, ये चीज़ें हमने जाना कि समापवर्त का मतलब क्या होता है। अपवर्त मतलब होता है किसी भी संख्या का पहाड़ा, और सम अपवर्त मतलब दो संख्याओं के पहाड़ों में से जो कॉमन संख्या दिख रही है वही हमारी क्या होती है, सम अपवर्त। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, जो कॉमन है उनमें जो सबसे छोटा है वही क्या हो जाएगा हमारा लघुत्तम समापवर्त। तो वो हमारा है बेसिक मेथड पहाड़ा के माध्यम से। और हमने क्या जाना कि बड़ी संख्या से अगर छोटी संख्या से कटती है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, लसा हो जाएगी, और नहीं कटती है तो बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे, जहां पर कटेगी सबसे पहले वही क्या हो जाएगी, लसा। इसके बाद हमने जाना भिन्नों का लसा, तो भिन्नों का लसा का मतलब क्या होता है, अंशों का लसा बटा में हरों का मौसा। अब हरों का मौसा यानी मौसा कैसे हम निकालते हैं, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमने जाना कि दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्याओं में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप पहले संख्याओं को समान अंक के बाद कर लीजिए, मीन्स दशमलव को समान अंक के बाद कर लीजिए, फिर उसके बाद अलग से उसका, अलग से संख्या को बगैर दशमलव के लिख कर उसका लसा निकालिए, फिर लास्ट में उसमें दशमलव को प्लेस कर दीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, जय हिंद।